एक बार एक राज्य के राजा का वजीर अपने साथियों के साथ एक रास्ते से जा रहा था। वजीर ने रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे को देखा और अपने साथियों से बोला कि इस मरे हुए चूहे से भी शुरुआत करके एक आदमी बहुत मालदार हो सकता है, बस अगर वह मेहनत और समझदारी से काम ले। पास के गुजरने वाले एक नौजवान ने वजीर की यह बात सुनी और उसे पता था कि वो राजा का वजीर है तो उसकी बात में कुछ दम तो होगा। तो उस लड़के ने वो मरा हुआ चूहा हाथ में उठाया और सोचते सोचते चलने लगा कि ये मरा हुआ चूहा मुझे कैसे अमीर बनाएगा। कुछ कदम चलते ही एक दुकानदार ने उस लड़के को रोका और कहा कि मेरी बिल्ली सुबह से मुझे बहुत परेशान कर रही है, तुम ये चूहा कूड़े में मत डालो, मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। मरे हुए चूहे से ये पहली डील पक्की हो गई। नौजवान लड़के ने चांदी के 2 सिक्कों से कुछ केक्स खरीदे और हाथ में पानी लेकर रास्ते के किनारे खड़ा हो गया। कुछ लोगों का काफिला वहां से गुजरा जो फूलों की माला बनाने का काम करते थे। क्योंकि वे भूखे थे, उन लोगों ने केक और पानी के बदले लड़के को बहुत सारे फूल दिए। शाम उस लड़के ने वो सारे फूल शहर जाकर बेच दिए और उन पैसों से उसने फिर कुछ फूल खरीदे और फिर उसी जगह उन फूल वालों को बेचने चला गया और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन भारी तूफान की वजह से राजा के बगीचे के बड़े सारे दरख्त उड़ गए और पूरे बगीचे का नक्शा ही बिगड़ गया। नौजवान ने बगीचे के आलसी माली से ये डील की कि वो सारा बगीचा साफ कर देगा उन टूटे हुए दरख्त को रख लेने के बदले में। उस आलसी माली ने तुरंत ही हाँ कह दिया। लड़के ने रास्ते पर खेलते कुछ बच्चे इकट्ठा किए और हर एक बच्चे को एक केक के बदले में पूरा बागीचा साफ करवाया। नौजवान लड़के ने जब दरख्त इकट्ठा किए तब राजा का सुतार वहां आया और उसने उन दरख्तों के बदले नौजवान को अच्छी खासी रकम दी। उस रकम से और फूल बेचकर उस लड़के ने हलवाई की एक दुकान खोली। एक दिन राज्य के सारे घास काटने वाले दुकान पर आए। लड़के ने दुकान के केक्स और ड्रिंक्स उन घास काटने वालों को फ्री में दिए। उन लोगों ने लड़के से कहा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। लड़के ने कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं, जब ज़रूरत होगी तो बता दूंगा। एक हफ्ते बाद लड़के ने सुना कि एक सौदागर राज्य में 500 घोड़े बेचने आ रहा है, तो वो उन घास काटने वालों के पास गया और कहा कि मुझे सबके पास से एक एक घास के बंडल चाहिए। सबसे पहले उस घोड़े वाले को सारी घास बेचकर लड़के को और भी अच्छी रकम मिली। एक दिन लड़के को पता चला कि बाहर के देश से एक बड़ा समुद्री जहाज राज्य में आया है। लड़के को पता था कि जिस देश से वो जहाज आया है उस देश में सोना बहुत महंगा है, तो वो अपने एक सुनार दोस्त के पास गया और बहुत सारा सोना कम दाम में खरीद कर उन जहाज वालों को ज़्यादा दाम में बेचा और ऐसा करते करते वो राज्य का बहुत ही अमीर लड़का बन गया। अपनी कामयाबी से खुश उसे याद आया कि इस सब की शुरुआत हुई थी वजीर की उस सलाह से, तो उसने वजीर को 1 लाख सोने के सिक्के देना चाहा। जब नौजवान वजीर से मिला तो वो हैरान था कि तुम्हारे पास इतना माल आया कहाँ से। लड़के ने कहा कि ये आप ही की सलाह से इसकी शुरुआत हुई, जब आपने कहा था कि एक मरे हुए चूहे से शुरुआत करके एक आदमी मालदार हो सकता है। ये सब सुनकर वजीर ने सोचा कि इतने समझदार लड़का अगर मेरी बेटी से शादी कर ले तो मेरी जायदाद संभालने के लिए और मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए इससे बेहतर लड़का कहाँ मिलेगा। वजीर ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कराई और जब वजीर की मौत हुई तो राज्य का नया वजीर वो नौजवान लड़का ही बना। तो शुरुआत हुई एक मरे हुए चूहे से, फिर केक बेचने से, फिर फूल बेचने से, फिर सोना बेचने से, और देखते ही देखते वो लड़का बन गया राज्य का वजीर।